हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी लोग। आई होप आप लोग बहुत ही बढ़िया फिट एंड फाइन रहेंगे। फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त विनोद मौर्य और मैं आप सभी लोगों का हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आप में से अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, और जिन्होंने ऑलरेडी कर दिया है उनका धन्यवाद। साथ ही साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा, सो डैट चैनल से जुड़े हुए हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे। फ्रेंड्स, आज हम लोग स्टैंडर्ड 10th का चैप्टर नंबर 3 यानी कि सर्कल में से प्रैक्टिस सेट नंबर 3.2 सॉल्व करने वाले। तो फ्रेंड्स, यू ही अंत तक बने रहिएगा, कहीं ना जाइएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो चलिए दोस्तों, अभी हम लोग शुरू करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 3.2। बट थोड़ा 3.2 सीखने से पहले, स्टार्ट करने से पहले हम लोग थोड़ा बहुत बेसिक समझ लेते हैं 3.2 में हमें किन बेसिक की जरूरत पड़ेगी। सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं व्हाट इज अ टचिंग सर्कल। देखिए दोस्तों, टचिंग सर्कल दो प्रकार के होते हैं। एक होता है इंटरनली टचिंग सर्कल, ओके, एक होता है इंटरनली टचिंग सर्कल और एक होता है एक्सटर्नली टचिंग सर्कल। तो टचिंग सर्कल दो प्रकार के होते हैं। अब टचिंग सर्कल क्या होता है? टचिंग सर्कल यानी कि टू सर्कल हैविंग ओनली वन पॉइंट कॉमन आर कॉल्ड टचिंग सर्कल। दो सर्कल रहेगा जहां पे सिर्फ और सिर्फ उसे वहां पर एक ही पॉइंट कॉमन रहेगा, उसे हम लोग टचिंग सर्कल कहते हैं। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। टू सर्कल हैविंग ओनली वन पॉइंट कॉमन, जैसे कि आप लोग इस फिगर में आप देख सकते हो, यहां पर एक सर्कल है जिसका सेंटर है O1 और दूसरा वाला सर्कल है उसका सेंटर है O2। ओके, अब ये दोनों सर्कल इस एक पॉइंट पर आकर क्या हो रहा है? टच हो रहा है, मतलब पॉइंट P पर आकर टच हो रहा है। तो हम लोग इसे एक्सटर्नली टचिंग सर्कल कहेंगे। यहां पे एक्सटर्नली क्यों? क्योंकि दोनों सर्कल एक्सटर्नली टच हो रहा है, इसलिए हम लोग एक्सटर्नली टचिंग सर्कल कहेंगे यहां पर। ओके, अगर ये एक्सटर्नली टचिंग सर्कल है तो इन दोनों एक्सटर्नली टचिंग सर्कल का जो डिस्टेंस रहेगा, ओके, द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर, इन दोनों एक्सटर्नली टचिंग सर्कल का डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर क्या आएगा? डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर आएगा इज इक्वल टू द सम ऑफ द रेडाई। क्या आना चाहिए? इज इक्वल टू द सम ऑफ द रेडाई, मतलब ये वाला आपका, देखो ये छोटा सर्कल है उसका सेंटर क्या है? O2, और बड़ा वाला सर्कल है उसका सेंटर O1। ओके, तो अब एक्सटर्नली सर्कल का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। यू हैव टू फाइंड आउट द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर। तो डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर क्या आना चाहिए? इज इक्वल्स टू सम ऑफ द रेडाई, सम ऑफ द रेडाई, सम ऑफ द रेडाई, मतलब यहां पे आपका रेडाई क्या है? O1P इज द R1 एंड O2P इज द R2। तो आपको क्या करना पड़ेगा? R1 प्लस R2 करना पड़ेगा। अगर आपको इसके रिलेटेड में कोई भी सम आते हैं, ठीक है, एक्सटर्नली टचिंग सर्कल के रिलेटेड में, तो आप क्या करोगे? अगर उन दोनों सर्कल का बीच का डिस्टेंस निकालना है, दोनों सर्कल का सेंटर के बीच का आपको डिस्टेंस निकालना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? सम ऑफ द रेडाई करना पड़ेगा। ओके, सम ऑफ द रेडाई, मतलब ये जो सर्कल है, सर्कल विद सेंटर O1, उसका जो रेडियस है O1P, और छोटा वाला सर्कल है उसका सेंटर O2, उसका रेडियस क्या आएगा? O2P। उन दोनों को ऐड करना पड़ेगा, मतलब O1P प्लस O2P आपको करना पड़ेगा। दैट इज O1P मींस व्हाट? इट इज इक्वल्स टू R1 एंड O2P मींस व्हाट? इट इज इक्वल्स टू R2। तो अगर आपको एक्सटर्नली टचिंग सर्कल दिया और बोला गया कि ये बता दो इसका डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर क्या आएगा, तो आप लोग क्या बोलोगे? द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर इज इक्वल्स टू द सम ऑफ द रेडाई। क्या हम लोग बोलेंगे? द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर इज इक्वल टू सम ऑफ द रेडाई, मतलब आप लोग कह सकते हो द डिस्टेंस ऑफ O1 एंड O2 इज इक्वल्स टू वॉट? इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2, इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? R1 प्लस R2। तो ये होता है एक्सटर्नली टचिंग सर्कल। फिर से एक बार बता दे रहा हूं, एक्सटर्नली टचिंग सर्कल है, ओके, तो उन दोनों एक्सटर्नली टचिंग सर्कल का सेंटर का डिस्टेंस क्या रहेगा? द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर इज इक्वल टू व्हाट? द सम ऑफ द रेडाई। ओके, आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। ये पहला है सर्कल टचिंग एक्सटर्नली। अब हम लोग इंटरनली देख लेते हैं, इंटरनली टचिंग सर्कल क्या होगा। चलिए, यहां पे इस फिगर को अगर आप लोग ध्यान दोगे तो यहां पे दो सर्कल है, एक सर्कल का नाम दिया गया S1 और एक सर्कल का नाम दिया S2। ओके,
अब ये दोनों भी टचिंग सर्कल है, ओके। पिछला वाला जो पिछला वाला हमने देखा वो एक्सटर्नली टच हो रहा था, अब यहाँ पे इंटरनली टच हो रहा है, ओके। अब इन दोनों सर्कल का सेंटर हम लोग देख लेते हैं। जो बड़ा वाला सर्कल S1, उसका सेंटर है O1, और जो छोटा वाला सर्कल है उसका सेंटर है O2, ओके। अब बड़ा वाला सर्कल का रेडियस क्या होगा? बड़ा वाला सर्कल का रेडियस होगा O1P, ये आपका बड़ा वाला सर्कल का रेडियस है, ओके। ये आपका रेडियस है बिगर सर्कल का, ओके। और O2P, ये जो O2P है इसको मैं ड्रॉ करके आपको बताता हूं, अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। सो ये जो है O2P आपका क्या है, ये छोटा वाला सर्कल का रेडियस है, ओके। तो ये आपका स्मॉलर सर्कल का रेडियस है, तो ये भी रेडियस है, लेकिन ये कौन सा है, स्मॉलर सर्कल का। ये क्या है, बिगर सर्कल का है, और ये स्मॉलर। तो ये तो आपको समझ में आ गया रेडियस, ओके। अब आपको क्या निकालना है, अब आपको फाइंड आउट करने के लिए बोला जाएगा डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर। अब पिछला वाला एक्सटर्नली में क्या किया था हमने, अगर दोनों सेंटर का बीच का डिस्टेंस निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों का रेडियस को प्लस करना होगा, वो एक्सटर्नली था। बट इन इंटरनली में अगर आपको दोनों सेंटर के बीच का अगर डिस्टेंस निकालना होगा, जैसे कि दोनों सेंटर का बीच का डिस्टेंस क्या आएगा, ये आएगा आपका O1 O2, ओके। ये दोनों सर्कल का बीच का डिस्टेंस आएगा, तो O1 O2 का डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। तो आप लोग क्या करोगे, आप लोग डिफरेंस निकालोगे रेडियस का, दोनों सर्कल का रेडियस का डिफरेंस निकालेंगे हम लोग, ओके। मतलब यहाँ पे R1 माइनस R2 आप लोग कर दोगे, R1 माइनस R2, बहुत ही सिंपल है। ये इंटरनली टचिंग सर्कल का है, इंटरनली टचिंग सर्कल के लिए क्या आएगा, द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर इज इक्वल टू द डिफरेंस ऑफ द रेडाई, ओके, इज इक्वल टू व्हाट, डिफरेंस ऑफ द रेडाई, ये ध्यान में रखना। एक्सटर्नली के लिए क्या आएगा, एक्सटर्नली के लिए द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर, दोनों सर्कल का जो सेंटर का डिस्टेंस रहेगा वहां पे सम करना होगा, और इंटरनली में क्या करना होगा, डिफरेंस निकालना होगा। चलो हम लोग इसी को एक एग्जाम्पल के रूप में सॉल्व भी कर लेते हैं, कंसिडर कर लेते हैं। यहां पर आपका जो बड़ा वाला सर्कल है, ओके, O1P, दैट मींस R1, रेडियस 1 है, उसका 10 सेंटीमीटर है रेडियस, 10 सेंटीमीटर है, ओके। और जो छोटा वाला सर्कल है O2P, जिसका रेडियस O2P मतलब R2, उसका रेडियस है 6 सेंटीमीटर, ओके। अब मैं आपसे कहता हूं बच्चों, ये जरा बता दो, अब इन दोनों सर्कल का बीच का डिस्टेंस क्या आएगा, इन दोनों सर्कल का सेंटर के बीच का डिस्टेंस क्या आएगा, ओके। तो आप लोग क्या करोगे, आप लोग डिस्टेंस कैसे निकालोगे, डिस्टेंस ऑफ O1 एंड O2, क्योंकि O1 एंड O2 क्या है, दोनों दोनों सर्कल का सेंटर है, तो आपको इन्हीं इन्हीं दो सेंटर के बीच का डिस्टेंस निकालना है। तो डायरफोर हम लोग क्या लिखेंगे, डिस्टेंस ऑफ O1 O2 इज इक्वल टू बड़ा वाला सर्कल का रेडियस लिखेंगे R1, और छोटे वाले सर्कल का रेडियस लिखेंगे R2, इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे। तो दोनों का डिफरेंस क्या मिलेगा, 10 माइनस 6 दैट मींस 4 सेंटीमीटर, मतलब हमें क्या मिल गया, द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ये इंटरनली टचिंग सर्कल था, और एक हमने एक्सटर्नली देखा, तो ये दोनों आपको टर्म क्लियर हो चुके होंगे। चलिए अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टर्म की तरफ। नेक्स्ट है थियरम ऑफ टचिंग सर्कल, ओके। ये एग्जाम में आता तो नहीं है, बट हमें थोड़ा बहुत इसको जान लेना चाहिए, ओके। आपको क्या देखा रखा है, स्टेटमेंट में कहा गया है कि अगर इफ टू सर्कल आर टच ईच अदर, अब टच ईच अदर मतलब वो इंटरनली भी हो सकता है या फिर एक्सटर्नली भी हो सकता है, दोनों में से कोई भी हो सकता है, इंटरनली या फिर एक्सटर्नली कुछ भी हो सकता है। तो यहां पर आपको दिया गया है, यहाँ पे पर्टिकुलर लिख कर तो नहीं दिया है ये इंटरनली है कि एक्सटर्नली, वो सिर्फ बता दिया टच हो रहा है, तो आपको समझ में आ जाना चाहिए, अब टच हो रहा है तो यहाँ पे इंटरनली भी हो सकता है और एक एक्सटर्नली भी हो सकता है। तो इफ टू सर्कल टच ईच अदर, ओके, अगर दो सर्कल एक दूसरे को टच करता है तो इंटरनली भी हो सकता है या एक्सटर्नली भी हो सकता है। तो उसका जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट रहेगा ना, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट उसका जो रहेगा, अब पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट मतलब क्या, यहाँ पे जो आपको पॉइंट सी दिख रहा है यहाँ पर और यहाँ पे भी, ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, इसका जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट रहेगा वो कहाँ पे लाए होगा, इट विल लाई ऑन द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर, मतलब ये जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है ना, ये कहाँ पे लाए होगा, ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट मेरा कहाँ पे लाएगा, ये इस वाले लाइन पे लाए होगा, इस वाले मतलब ये इन दोनों सेंटर को जो ज्वाइन कर रहा है ना जो लाइन, ओके,
इन दोनों सर्कल का सेंटर को जो ज्वाइन कर रहा है ना, उसी लाइन पे पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट लाए होगा। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। ओके, और यहां पे भी इंटरनली के लिए आपका सेम, मतलब ये सेम लाइन पे वो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट लाए होगा। ओके, आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा। तो ये है आपका एक्सटर्नली, तो एक्सटर्नली टचिंग सर्कल में जो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट रहेगा वो कहां पे लाए होगा, लाइज ऑन द लाइन ज्वाइनिंग देयर सेंटर, मतलब दोनों सर्कल का जो सेंटर को जो लाइन ज्वाइन कर रहे हैं ना, उसी लाइन पे वो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट भी लाए होगा। और इंटरनली के लिए भी सेम चीज। ओके, दोनों सर्कल का जो सेंटर को जो ज्वाइन कर रहा है, ओके, वो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट उसी लाइन पे लाए होगा। तो ये थ्योरम कह रहा है कि अगर दो सर्कल टच हो रहे एक दूसरे को, तो उनका जो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट होगा, यहाँ पे पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट क्या है, यहाँ पे पॉइंट सी, तो ये जो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट रहेगा ना, ये कहाँ पे लाया होना चाहिए, इट लाइज ऑन द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर, मतलब जो दो सेंटर को जो लाइन जोड़ रहा है, तो ज्वाइन कर रहा है, तो उसी लाइन पे वो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट भी लाए होना चाहिए। चलो अभी हम लोग गिवन देख लेते हैं। गिवन में आपको क्या देख रखा है, गिवन में हमें क्या बताया गया, यहाँ पर हमें बताया गिवन में सी इज द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, पॉइंट सी क्या है, यहाँ पे पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है, सही बात है। ओके, तो पॉइंट सी यहाँ पर पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है ऑफ टू सर्कल जिसका सेंटर ए एंड बी है। ओके, दोनों फिगर में आप लोग देख सकते हो, दोनों सर्कल का जो सेंटर ए एंड बी लिया है, कॉमन लिया है। ओके, तो यहाँ पे जो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है सी, तो हमने गिवन में क्या लिखा, सी इज द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ टू टचिंग सर्कल विद सेंटर ए एंड बी, ये आपका गिवन हो गया। नेक्स्ट, अब टू प्रूव में, टू प्रूव में आपको क्या बोला है, यहाँ पे क्या बोला है, स्टेटमेंट अगर आप पढ़ोगे, अगर दो सर्कल टच हो रहे तो जो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट रहेगा, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट यानी कि पॉइंट सी कहां पे लाया होना चाहिए, लाइज ऑन द लाइन ज्वाइनिंग देयर सेंटर, तो हमें भी वही लिखना पड़ेगा, पॉइंट सी लाइज ऑन द लाइन ए बी, पॉइंट सी कहां पे लाए होना चाहिए, इस लाइन पे लाए होना चाहिए। तो ये हमारा टू प्रूव बन गया। ओके, ये हमारा क्या है, टू प्रूव। तो पॉइंट सी कहां पे लाया होना चाहिए बच्चों, लाइज ऑन द लाइन ज्वाइनिंग देयर सेंटर, मतलब लाइन ए बी पर लाए होना चाहिए। अब इसका प्रूफ में, प्रूफ में क्या कहा गया है, सबसे पहले हम लोग एक काम कर लेते, एक कॉमन टेंजेंट बना लेते। ओके, तो ये हमारा लाइन एल क्या है, लाइन एल हमारा एक कॉमन टेंजेंट है, तो इसको हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारा लाइन एल क्या है, एक कॉमन टेंजेंट है, तो लेट लाइन एल बी द कॉमन टेंजेंट। लाइन एल क्या है बच्चों, हमारा कॉमन टेंजेंट है, एंड कहां से पास हो रहा है, पॉइंट सी से पास हो रहा है, तो लाइन एल हमारा ये वाला जो लाइन एल है ये कॉमन टेंजेंट है, और दोनों में सेम है, इंटरनली और एक्सटर्नली दोनों में कॉमन टेंजेंट सेम है। यहाँ पे भी देखो, ये लाइन एल जो है हमारा कॉमन टेंजेंट है। ओके, तो और ये कॉमन टेंजेंट पास कहां से हो रहा है, पॉइंट सी से पास हो रहा है। ओके, अब ये टेंजेंट है तो इसका मतलब ये लाइन एल, ठीक है, ये लाइन एल परपेंडिकुलर होगा किसको, एसी को। लाइन एल किसको परपेंडिकुलर रहेगा, एसी को, और साथ ही साथ में लाइन एल बीसी को भी परपेंडिकुलर रहेगा। ये जो लाइन एल है ये सेगमेंट एसी को भी परपेंडिकुलर रहेगा, और ये लाइन एल सेगमेंट बीसी को भी परपेंडिकुलर होगा। ओके, क्यों, क्योंकि ये टेंजेंट थ्योरम हमने शुरू में पढ़ा है, टेंजेंट थ्योरम। ओके, सो लाइन एल परपेंडिकुलर हो गया सेगमेंट एसी को, और लाइन एल परपेंडिकुलर हो गया सेगमेंट बीसी को। ओके, चलो नेक्स्ट। देयरफॉर हम लोग कह सकते हैं सेगमेंट एसी जो है लाइन एल से परपेंडिकुलर है, सेगमेंट एसी लाइन एल से परपेंडिकुलर है, और सेगमेंट बीसी भी लाइन एल से परपेंडिकुलर है, क्योंकि जब लाइन एल एसी को परपेंडिकुलर है और बीसी को परपेंडिकुलर, इसका मतलब ये जो दोनों सेगमेंट है, दोनों सेगमेंट लाइन एल से भी परपेंडिकुलर है। ओके, इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं थ्रू सी ओनली वन लाइन परपेंडिकुलर टू लाइन एल कैन बी ड्रॉन, मतलब अब सेगमेंट एसी भी लाइन एल से परपेंडिकुलर हुआ और सेगमेंट बीसी भी लाइन एल से परपेंडिकुलर हुआ, इसका मतलब हम लोग एक ही लाइन ड्रॉ कर सकते हैं पॉइंट सी, सर पॉइंट सी से एक ही परपेंडिकुलर लाइन हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, तो वही लिखा गया है, थ्रू सी ओनली वन लाइन परपेंडिकुलर टू लाइन एल कैन बी ड्रॉन, मतलब हम लोग पॉइंट सी से एक ही परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, अगर एक ही परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर सकते हो तो इसका मतलब ये जो पॉइंट सी ए बी ये रहेगा कोलिनियर पॉइंट। ओके, ये पॉइंट क्या रहेगा, ये कोलिनियर रहेगा। ये बहुत ही सिंपल सा थियरम है। ओके, ये आपको सिर्फ समझ कर लेना है। ओके, ये आपको समझ कर लेना है, ये एग्जाम में पूछा नहीं जाता है। ओके, तो अभी हम लोग नेक्स्ट यानी कि प्रैक्टिस सेट हमारा जो है 3.2 वो स्टार्ट कर लेते हैं।
तो देखिए सबसे पहला सम क्या देकर रखा है प्रैक्टिस सेट नंबर 3.2 में, टू सर्कल हैविंग रेडाई 3.5 सेंटीमीटर एंड 4.8 सेंटीमीटर, ओके, टच ईच अदर इंटरनली, तो यहां पर हमने जो फिगर लिया है ये इंटरनली टचिंग सर्कल है, ओके, तो यहां पर एक छोटा सर्कल है और एक बड़ा सर्कल है, लेट अस टेक छोटा वाला सर्कल का सेंटर बी एंड बड़ा वाला सर्कल का सेंटर ए, छोटा वाला सर्कल का सेंटर बी और बड़ा वाला सर्कल का सेंटर ए, और इस इन दोनों का जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट रहेगा उसको हम लोग पी ले लेते हैं, इन दोनों का जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है वो पी है, क्योंकि यहाँ पे कोई नाम हमने दिया है तो हम लोग खुद से एज्यूम कर सकते हैं। तो अब आपको क्या बोला गया है, दो सर्कल है जिसमें से एक सर्कल का जो रेडाई है 3.5 और एक सर्कल का रेडाई 4.8 है, तो इसका मतलब हमें देखकर समझ में आ गया होगा। अब छोटा वाला जो सर्कल है, छोटा वाला सर्कल है उसका जो रेडियस है यहां से लेके पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट तक, ओके, इसका जो रेडियस है हम लोग कंसिडर कर लेते हैं आर टू, इसका रेडियस कितना है 3.5 सेंटीमीटर, छोटा वाला सर्कल का रेडियस है 3.5 सेंटीमीटर, ओके। अब बड़ा वाला सर्कल का रेडियस भी ड्रॉ कर लेते हैं, बड़ा वाला सर्कल का रेडियस क्या रहेगा यहां से ए से लेके पी तक होगा, तो ए से लेके ये आपका पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट तक होगा, ओके, तो बड़ा वाला सर्कल का रेडियस को हम लोग आर वन ले लेते हैं और कितना दिया गया है 4.8 सेंटीमीटर, ओके, तो ये आपका 4.8 सेंटीमीटर है, 4.8 सेंटीमीटर, ओके, यस। अब आपको फाइंड आउट करने बोला गया है द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर क्या आएगा, द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर यानी कि आपको डिस्टेंस ऑफ ए बी निकालना पड़ेगा, ओके, क्योंकि बड़ा वाला सर्कल का सेंटर ए है, छोटा वाला सर्कल का सेंटर बी है, तो इन दोनों का जो डिस्टेंस आएगा मतलब डिस्टेंस ऑफ ए बी आपको निकालना है, ओके, तो आई होप आपको यहाँ पे आंसर मिल भी गया होगा किस तरह निकालना है, ओके, तो हम लोग इसको लिखेंगे, सपोज पॉइंट ए एंड पॉइंट बी बी द सेंटर ऑफ द टू इंटरनली टचिंग सर्कल एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट पी, ओके, तो यहां पे हम लोग लिखेंगे सपोज पॉइंट ए एंड पॉइंट बी आर द सेंटर ऑफ टू इंटरनली सेंटर ऑफ इंटरनली टचिंग सर्कल, तो यहां पे इंटरनली टचिंग सर्कल, ओके, तो यहां पे हमने क्या लिखा, सपोज पॉइंट ए एंड पॉइंट बी आर द सेंटर ऑफ इंटरनली टचिंग सर्कल एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ओके, एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पी पर, ओके, क्योंकि ये दोनों सर्कल इंटरनली टचिंग सर्कल है, लेकिन जहां पे जिस पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे टच हो रहा है, ओके, वो है हमारा पॉइंट पी, ये हमने लिख दिया। अब हम लोग कहेंगे यहां पे नाउ यहाँ पे छोटा वाला सर्कल है उसका रेडियस क्या है फॉर स्मॉलर सर्कल, तो यहां पे मैं लिखूंगा फॉर स्मॉलर सर्कल का जो रेडियस है वो है आर टू, कितना है 3.5 सेंटीमीटर, और जो आपका बिगर सर्कल है बड़ा वाला सर्कल है उसका जो रेडियस है वो है आर वन, कितना दिया गया है 4.8 सेंटीमीटर, ओके, ये हमने लिख दिया। अब आपको डिस्टेंस निकालना है, दोनों सर्कल का जो सेंटर है उसके बीच का डिस्टेंस निकालना है, तो देयरफॉर डिस्टेंस
निकालना है तो हमें डिस्टेंस ऑफ ए बी निकालना पड़ेगा, ओके okay, क्योंकि दोनों सर्कल का जो सेंटर है ए एंड बी है, तो डिस्टेंस ऑफ ए बी हम निकालेंगे. ए बी इज इक्वल्स टू हम लोग क्या करेंगे, आर वन माइनस आर टू. क्या करने वाले हम लोग, आर वन माइनस आर टू करने वाले, तो आर वन माइनस आर टू करेंगे. इसका रीजन हमें देना पड़ेगा. रीजन में हम लोग क्या कहेंगे, इफ टू सर्कल आर इंटरनली टचिंग सर्कल, इफ टू सर्कल आर इंटरनली टचिंग सर्कल देन द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर are equals to difference of their radii, are equals to difference of their radii. Okay, तो हमने क्या लिखा, if two circle are internally touching circle, then the distance between the center are equals to difference of their radii. मतलब अगर internally touching circle है तो दोनों सर्कल का बीच का डिस्टेंस, दोनों सर्कल का जो सेंटर का जो डिस्टेंस आएगा वो दोनों रेडियस, मतलब दोनों सर्कल का रेडियस को सब्ट्रैक्ट करने पे मिल जाएगा. ओके, तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, डिस्टेंस ऑफ ए बी हमें क्या मिलेगा, दोनों सर्कल का जो रेडियस का अगर डिफरेंस निकालोगे तो आपको दोनों सर्कल का सेंटर का बीच का डिस्टेंस मिल जाएगा. ओके, तो यहां पे 4.8 माइनस 3.5 जरा कर लेते हैं हम लोग, 4.8 माइनस 3.5 तो क्या आएगा, 8 में से 5 चला गया यहां पे, तो बचेगा क्या, 3 बचेगा, पॉइंट 4 में से 3 गया तो 1.3. तो हमें दोनों सर्कल का जो बीच का जो सेंटर का डिस्टेंस है वो हमें मिल गया 1.3 सेंटीमीटर. तो इस तरह से हमको सॉल्व करना था, काफी सिंपल सा हमें यहाँ पर, हम लोग यहाँ पे एक बॉक्स बना लेते हैं सो डैट अच्छे से आपको समझ में आ जाए. तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 1, काफी सिंपल सा है. आई होप आपको ये समझ में आ चुका होगा. आपको यहाँ पे अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा. ओके, सो इसी के साथ अभी हम लोग नेक्स्ट सम यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं. चलिए दोस्तों अभी हम लोग सेकेंड 1 देख लेते हैं. क्या देखा रखा है सेकेंड सम में, टू सर्कल ऑफ रेडाई 5.5 सेंटीमीटर एंड 4.2 सेंटीमीटर टच ईच अदर एक्सटर्नली. अब इस फिगर को हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे हमें क्या पता चल रहा है कि दो सर्कल है, दोनों सर्कल एक दूसरे को टच कर रहे हैं एक्सटर्नली. फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर. अब हमने प्रीवियस सम जो देखा वो इंटरनली था, तो वहां पे हमने डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर कैसे निकाला, डिफरेंस बिटवीन द रेडाई करके. अब यहाँ पर आपको डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर निकालने के लिए आपको सम ऑफ द रेडाई करना होगा. ओके, चलो कंसिडर कर लेते हैं, छोटा वाला सर्कल है उसका जो सेंटर है वो है ए. ओके, बड़ा वाला सर्कल है उसका सेंटर है बी. अब जो छोटा वाला सर्कल रहेगा उसका जो रेडियस रहेगा, ओके छोटा वाला सर्कल है उसका जो रेडियस रहेगा वो है आर वन. आर वन इज इक्वल्स टू कितना दिया गया है, 4.2 सेंटीमीटर. यहाँ पे 4.2 सेंटीमीटर लेंगे. अब बड़ा वाला सर्कल है, यहाँ पे हम लोग एक काम करते हैं, यहाँ पे ओ लिख लेते, ये जो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है ये, ओके ये आपका पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है. अब जो बड़ा वाला सर्कल है इसका जो सेंटर से लेकर, मतलब इसका जो रेडियस रहेगा वो रहेगा आर टू ले लेते, कितना दिया गया आर टू, 5.5 सेंटीमीटर. अब हमें बोला गया है कि फाइंड करके बताओ द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर. ओके, तो हम लोग यहां पे क्या लिखेंगे, सपोज पॉइंट ए एंड बी आर दी
सेंटर ऑफ टू एक्सटर्नली टचिंग सर्कल एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। यहाँ भी इस बार हमने पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट क्या लिया है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट हमने ओ लिया है, एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ओ। ओके, ये हो गया। अब हम लोग यहाँ पे बड़ा वाला जो सर्कल है उसका रेडियस हम लोग लिखेंगे, फॉर बिगर सर्कल, बड़ा वाला जो सर्कल है उसका जो रेडियस रहेगा, बड़ा वाला सर्कल का जो रेडियस रहेगा वो है हमारा आर टू। बड़ा वाला सर्कल का जो रेडियस है वो आर टू है, तो क्या आएगा 5.5 सेंटीमीटर। और स्मॉलर सर्कल जो है, ओके, फॉर स्मॉलर सर्कल, स्मॉलर सर्कल उसका जो रेडियस रहेगा वो हम लोग क्या लिखेंगे, आर वन। कितना दिया गया आर वन यहाँ पे, 4.2 सेंटीमीटर। ओके, अब हमें दोनों सर्कल का जो सेंटर है उसके बीच का डिस्टेंस निकालना है, तो नाउ हमें फाइंड आउट करना है डिस्टेंस ऑफ ए बी। तो डिस्टेंस ऑफ ए बी हमें क्या मिलेगा, डिस्टेंस ऑफ ए बी हमें फाइंड आउट करना है तो आर वन प्लस आर टू करना पड़ेगा। ओके, यानी कि एओ प्लस ओ बी आप लोग कह सकते हो। ओके, तो एओ मतलब क्या है आपका आर वन है, और ओ बी क्या है आपका आर टू है, सही है। तो आर वन प्लस आर टू हम लोग कर सकते हैं। अब यहाँ पे फिर से आपको रीजन लिखना है, क्या लिखेंगे, इफ टू सर्कल, टू सर्कल आर एक्सटर्नली टचिंग सर्कल देन डिस्टेंस बिटवीन सेंटर, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर आर इक्वल टू सम ऑफ देयर रेडियस। ओके, आपको अगर एक्सटर्नली टचिंग सर्कल है तो दोनों सर्कल का जो बीच का सेंटर का डिस्टेंस है वो क्या आएगा, सम ऑफ द रेडियस आएगा। तो यानी कि हमने क्या लिखा, आर वन प्लस आर टू। ओके, मतलब डिस्टेंस ऑफ ए बी हमने क्या लिखा, आर वन प्लस आर टू। ओके, सो therefore करके मैं यहाँ पे डिस्टेंस ऑफ ए बी निकालूंगा, आर वन, आर वन का वैल्यू क्या है यहाँ पर 4.2 है, प्लस आर टू का वैल्यू है 5.5 है। तो 4.2 और 5.5 दोनों को ऐड कर लेते हैं हम लोग, क्या मिलना चाहिए, 4.2 और 5.5 को जब ऐड करोगे तो यहाँ पे 7 और यहाँ पे 9, मतलब 9.7 आपको मिलेगा। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 9.7 सेंटीमीटर, और देयरफॉर हम लोग लिख सकते हैं द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर इज इक्वल्स टू द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर इज 9.7 सेंटीमीटर। आई होप आपको ये समझ में आया होगा किस तरह से इसको सॉल्व किया गया है, बहुत ही सिंपल है, सभी को समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका फाइनल आंसर होगा, इसको मैं बॉक्स बना देता हूँ। सो इस तरह से इस सम को सॉल्व करना है आपको, चलिए आई होप आपको ये समझ में आ चुका होगा, वैसे काफी सिंपल सा सम है। तो यहाँ पर अगर आपको कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी है तो आप लोग एक बार फिर से इसको देख सकते हो। ठीक है, आई होप इसमें कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, बहुत ही सिंपल अच्छे स्टेप में मैंने इसको एक्सप्लेन कर दिया है। अब हम लोग डायरेक्टली थर्ड सम की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड सम में देखिए क्या देकर रखा है, इफ
रेडाई ऑफ टू सर्कल आर 4 सेंटीमीटर एंड 2.8 सेंटीमीटर. ड्रॉ फिगर ऑफ द सर्कल टचिंग ईच अदर एक्सटर्नली और इंटरनली. दोनों आपको ड्रॉ करना है. तो हम लोग चलो पहले एक्सटर्नली ड्रॉ कर लेते. तो एक्सटर्नली ड्रॉ करने के लिए आपको यहाँ पर कंपास बॉक्स की जरूरत पड़ेगी. ओके तो हम लोग बड़ा वाला सर्कल पहला ड्रॉ कर लेते 4 सेंटीमीटर का. तो कंपास बॉक्स ले लो, कंपास बॉक्स उठा लो और 4 सेंटीमीटर का एक सर्कल ड्रॉ करना है हमें. 4 सेंटीमीटर का रेडियस होना चाहिए. तो यहाँ पे ओके, तो ये आपका 4 सेंटीमीटर का रेडियस है. ये मैंने 4 सेंटीमीटर का ले लिया है. ओके देख लो, एक मिनट मैचिंग कर लो. ये 4 सेंटीमीटर है. ओके अब यहाँ से क्या करोगे, इस पॉइंट पे रखोगे और यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, सर्कल ड्रॉ करेंगे. ओके इस तरह से आपका सर्कल ड्रॉ हो गया. ओके अब छोटा वाला सर्कल, छोटा वाला सर्कल का जो रेडियस है वो 2.8 सेंटीमीटर का है. ओके तो छोटा वाला सर्कल भी अभी हम लोग ड्रॉ कर लेंगे. ये एक्सटर्नली ड्रॉ होने वाला है. तो एक्सटर्नली ड्रॉ करना है. फिलहाल अभी हम लोग यहाँ से इस पॉइंट से लेकर अभी हम लोग एक लाइन बना देते हैं और बता देते हैं कि ये आपका जो है यहाँ तक. ओके ये 4 सेंटीमीटर का है, 4 सेंटीमीटर का. अब छोटा वाला सर्कल हमें लेना पड़ेगा 2.8 सेंटीमीटर. 2.8 ओके तो 2.8 सेंटीमीटर का हमने लिया. ये चेक कर लेते 2.8 है. यस सही है. ओके अब मैं क्या करूंगा, इसको 2.8 बोला है तो आपको यहाँ पे बराबर प्लेस करके जरा एक बार देख लो. नहीं आ रहा है तो मैं थोड़ा सा यहाँ से मूव करूंगा. ओके इस तरह से. तो आपको तो वैसे यस अभी हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं. ये आपका छोटा वाला सर्कल है, ये प्रॉपरली मैंने ड्रॉ कर दिया. ठीक है इस तरह से मैंने ड्रॉ किया. इसका अब जरूरत खत्म हो गया, इसको हटा दो. यस तो इस तरह से आपने इसको ड्रॉ किया है. ओके नेक्स्ट अभी आपको क्या करना है इसके बाद में, यहाँ पे इसका भी लाइन ड्रॉ कर देते हैं हम लोग. यहाँ से यहाँ तक का 2.8 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक. इसका कलर जरा चेंज कर देते हैं. ये हो गया आपका 2.8 सर्कल. इसको अभी हम लोग लेबल कर देते हैं यहाँ पे. ये बड़ा वाला सर्कल का सेंटर ए, छोटा वाला सर्कल का सेंटर बी और इन दोनों का जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है ये पी है. ओके और छोटा वाला सर्कल का जो रेडियस है वो कितना है, 2.8 सेंटीमीटर का है. तो इस तरह से आपको ड्रॉ करना था एक्सटर्नली का. ओके तो इंटरनली तो आई होप आप लोग इंटरनली कर ही लोगे. ठीक है तो वो आपके लिए एक होमवर्क मैं दे देता हूँ, वो आप लोग होमवर्क कर लेना. फिर अभी हम लोग डायरेक्टली फोर्थ सम की तरफ बढ़ जाएंगे. ओके तो फोर्थ सम में क्या देख कर रखा है यहाँ पर, चलो काफी इंपॉर्टेंट सम है, इंटरेस्टिंग सम है. क्या बोला गया है, द सर्कल विथ सेंटर पी एंड क्यू टच ईच अदर एट आर. ओके मतलब यहाँ पे दिया गया है एक सर्कल है जिसका सेंटर पी है और एक दूसरा सर्कल है जिसका सेंटर क्यू है, दोनों टच हो रहे एक दूसरे को एट पॉइंट आर पर. ओके दोनों एक दूसरे को आर पर टच हो रहे. आगे बोला गया अ लाइन पासिंग थ्रू आर, आर से देखो एक लाइन पास हो रहा है. ओके मीट द सर्कल एट ए एंड बी, ए पर और बी पर आके वो मीट हो रहे हैं. ठीक है तो ए पर मीट हो रहा है और बी पर आके मीट हो रहे हैं. ओके आई होप आपको ये समझा होगा, यहाँ पर क्वेश्चन तो आपको समझ में आ गया होगा. अब आगे देखो आप क्या बोला गया है,
हमें बोला गया है कि प्रूव करके दिखाओ सेगमेंट एपी इज पैरेलल टू सेगमेंट बीक्यू, मतलब हमें ये वाला शो करना है यहाँ पर, ये जो है आपका एपी ये ओके और ये है बीक्यू, इन दोनों को पैरेलल हमें शो करना है, एपी और बीक्यू पैरेलल हमें चाहिए। तो एक्यू एपी और बीक्यू अगर पैरेलल प्रूफ करना है हमें, तो हमें एक काम करना पड़ेगा, हमें ये वाला एक अल्टरनेट एंगल ना हमें कॉन्ग्रुएंट बताना पड़ेगा आप किससे, एपी और बीक्यू पैरेलल करना है आपको, तो हम लोग एक काम करेंगे, ये जो आपका एक अल्टरनेट एंगल बनेगा ये वाला ओके, इसको हमें कॉन्ग्रुएंट बताना पड़ेगा। ये अगर हम लोग कॉन्ग्रुएंट बता देंगे, मतलब इस एंगल का नाम हम लोग क्या कहेंगे, इस एंगल का नाम हम लोग कह सकते हैं एंगल पी ए आर ओके, पी ए आर मतलब वही पी ए बी हम लोग कह सकते हैं उसको, पी ए आर बोलो या पी ए बी, पी ए आर इज इक्वल टू एंगल आर बी क्यू, अगर हम लोग ये प्रूफ कर देते हैं पी ए आर और आर बी क्यू अगर हम लोग प्रूफ कर देंगे, तो इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं बाय अल्टरनेट एंगल टेस्ट ए पी इज पैरेलल टू बी क्यू, ये हो जाएगा ओके। तो अब इसे इक्वल प्रूफ करना है, पी ए आर और आर बी क्यू को हमें इक्वल लाना है ओके। तो चलो हम लोग देख लेते हैं कैसे आ सकता है इक्वल ओके। इसके लिए हम लोग यहाँ पर हम लोग एक काम करेंगे, सबसे पहले हम लोग ये वाला एक ट्रायंगल लेंगे ओके, ध्यान से आप लोग अच्छे से समझो जरा, ये वाला ट्रायंगल लेंगे, ट्रायंगल ए पी आर ओके, ये वाला ट्रायंगल लिया हमने ए पी आर, तो इन ट्रायंगल ए पी आर, ए पी और पी आर ये दोनों सेम है, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है ए पी और पी आर, क्योंकि ये दोनों सेम सर्कल का रेडियस है, तो हम लोग कह सकते हैं ए पी और ये पी आर कॉन्ग्रुएंट है। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले इन ट्रायंगल, यहाँ से आपका प्रूफ चालू हो गया, इन ट्रायंगल, ट्रायंगल का नाम क्या है पी ए आर बोलो या ए पी आर बोलो, चलो हम लोग ए पी आर लिखते हैं, ए पी आर, ए पी इज इक्वल्स टू पी आर, मतलब पी ए इज इक्वल्स टू पी आर लिख देते हैं हम लोग ठीक है, पी ए इज इक्वल्स टू पी आर, क्यों दोनों इक्वल है, क्योंकि ये रेडियस ऑफ सेम सर्कल है, रेडियस ऑफ सेम सर्कल। चलो आगे बढ़ते हैं, अब पी ए इक्वल टू पी आर हो गया, तो इसका मतलब यहाँ पे ये जो एंगल है, अब कौन सा एंगल हम लोग कह सकते हैं ना, अगर एक ट्रायंगल में ये दो साइड कॉन्ग्रेंट है, तो इन दोनों साइड के ऑपोजिट में जो एंगल लाए होगा वो भी कॉन्ग्रेंट हो जाएगा, तो यहाँ पे ये एक एंगल लाए हो रहा है ये वाला और एक ये एंगल, ये दोनों एंगल कॉन्ग्रेंट हो जाएगा, तो हम लोग कह सकते हैं देयरफोर कह सकते हैं हम लोग एंगल पी ए आर, एंगल पी ए आर इज इक्वल टू एंगल पी आर ए ओके, पी ए आर और पी आर ए इक्वल रहेगा, यहाँ पे आपको मैं समझा देता हूँ आपको क्लियर हो जाएगा। अगर आपका ये ट्रायंगल है और उस ट्रायंगल में आपको ये और ये साइड इक्वल दिख रहा है ओके, तो आप लोग कह सकते हो अगर ये साइड और ये साइड इक्वल है, तो इन दोनों साइड के ऑपोजिट में जो एंगल है ना, आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम ओके, आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम कहता है ये एंगल और ये एंगल दोनों इक्वल हो जाएगा, क्यों कहता है, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम कहता है, सही है, आई होप आपको समझ में आ जाएगा ये ठीक है। तो सेम चीज हमने यहाँ पे भी किया है, एंगल पी ए आर और पी आर ए इक्वल है, तो यहाँ पे हम लोग रीजन में लिख देंगे आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम ओके, आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम, तो ये आपको समझ में आ गया आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम, इसको हम लोग नंबर वन दे देते हैं, ये आपका नंबर वन है ओके। सेम टू सेम अभी हम लोग दूसरा वाला ट्रायंगल लेंगे, दूसरा वाला पार्ट ओके, तो दूसरा जो पार्ट है वो ये वाला है आपका क्यू बी और ये वाला आर बी, मतलब ये वाला ट्रायंगल अभी हम लोग लेने वाले हैं क्यू आर बी ओके, यहाँ पे ये वाला ट्रायंगल क्यू आर बी, ये वाला पार्ट अभी हम लोग लेने वाले हैं, तो इन ट्रायंगल आल्सो
ऑल्सो इन ट्राइंगल क्यू आर बी, क्यू आर बी, क्यू आर इज इक्वल्स टू क्यू बी हम लोग कह सकते हैं, बिल्कुल क्यू आर और ये क्यू बी दोनों इक्वल है, मानोगे? बिल्कुल बिल्कुल कह सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे क्यू आर इज इक्वल्स टू क्यू बी, क्यू आर इज इक्वल्स टू क्यू बी, क्यों? क्योंकि ये भी क्या है, रेडाई ऑफ सेम सर्कल है, सही है। चलो आगे बढ़ते हैं अभी हम लोग। तो क्यू आर और क्यू बी अगर इक्वल है तो अगेन आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम कहता है देयरफोर हमारा जो एंगल रहेगा यहाँ पे, एंगल कौन सा एंगल, क्यू आर बी और क्यू बी आर, ये दोनों इक्वल हो जाएगा। तो क्यू आर बी इज इक्वल्स टू एंगल क्यू बी आर, अगेन सेम रीजन हम लोग देंगे आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम, यहां पर मैं रीजन लिखूंगा आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम, ओके। तो ये आपका नंबर टू हो जाएगा यहाँ पे, इसको हम लोग नंबर टू दे देंगे, ओके। अब दो इक्वेशन बना लिया, अब हम लोग नेक्स्ट स्टेप में, अभी नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या कहेंगे कि ये जो आपका एंगल है, इस एंगल का नाम यहाँ पर एंगल पी आर ए, ये वाला एंगल पी आर ए, और एक एंगल क्यू आर बी, ये वाला एंगल पी आर ए और क्यू आर बी, ये दोनों एंगल इक्वल है। चलो इसको हम लोग नेक्स्ट पेज में लिखते हैं, क्योंकि ये दोनों एंगल वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है, तो यहां पर मैं क्या कहूंगा, ये आपका पी आर ए और एंगल क्यू आर बी, ये दोनों इक्वल हो गया। क्यों इक्वल हो गया, क्योंकि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है। तो यहां पर मैं लिखूंगा अभी एंगल पी आर ए इज इक्वल्स टू एंगल क्यू आर बी, ये इक्वल इसलिए है क्योंकि ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है। तो मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, ओके। ये आपका नंबर थ्री हो गया। अब हम लोग तीनों इक्वेशन को जरा मिलाते हैं, ओके। तो ये तीनों इक्वेशन से हमें क्या समझ में आ रहा है कि ये जो पी ए आर है वो पी आर ए से इक्वल है और पी आर ए क्यू आर बी से इक्वल है। मतलब हम लोग क्या कह रहे हैं, पी ए आर इक्वल है पी आर ए से, और पी आर ए किससे इक्वल है, क्यू आर बी से इक्वल है, और क्यू आर बी इक्वल है क्यू बी आर से। इसका मतलब आपस में चार का चारों एंगल इक्वल है, यही पता चल रहा है ना, क्योंकि पी ए आर पी आर ए से इक्वल है, पी आर ए क्यू आर बी से इक्वल है, और क्यू आर बी क्यू बी आर से इक्वल है। तो वन टू एंड थ्री से हमें क्या पता चल रहा है, ये चारों आपस में इक्वल है। तो हम लोग क्या कहेंगे, ये चारों आपस में इक्वल है। तो फ्रॉम मैं लिखूंगा फ्रॉम वन वन टू एंड थ्री, वन टू एंड थ्री से हमें क्या पता चल रहा है, हमें पता चल रहा है कि चार का चारों एंगल इक्वल है आपस में, ओके। तो चार का चारों एंगल इक्वल है आपस में, तो हमें क्या शो करना है, हमें यहाँ पर शो क्या करना था, हमें यहाँ पर शो करना था एंगल पी ए आर, ओके, पी ए आर इज इक्वल्स टू एंगल आर बी क्यू। अगर मैं ये इक्वल बता देता हूं तो मेरा अल्टरनेट एंगल बन जाएगा कॉन्ग्रेंट, ओके। तो मैं क्या करूंगा, वन टू एंड थ्री से हम लोग लिखेंगे पी ए आर इज इक्वल्स टू आर एंगल आर बी क्यू, ओके। ये आपको वन टू एंड थ्री से मिल रहा है। आर बी क्यू यानी कि आर बी क्यू मतलब क्या हो गया, ये क्यू बी आर, ओके। तो इसको कंफ्यूज मत रहना, तो यहाँ पे मैं चलो क्यू बी आर ही लिख देता हूँ आपको कंफ्यूज नहीं होने के लिए। तो यहाँ पे मैंने क्यू बी आर लिख दिया, ये कहाँ से मिला, वन टू एंड थ्री से हमें मिला क्यू बी आर। तो ये वन टू एंड थ्री से हमें मिल गया, ओके। यहाँ पे मैं एक बॉक्स बना देता हूँ सो डैट आपको अच्छे से समझ में आ जाए।
अब ये आपका इक्वल हो गया, पी ए आर और यहाँ पे क्यू बी आर, ये इक्वल हो गया। अब ये इक्वल हो गया तो हम लोग क्या कह सकते हैं, बट ये जो एंगल्स है ये एक अल्टरनेट एंगल, बट दिस एंगल्स फॉर्म अ पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल्स। तो मैं क्या लिखूंगा, बट दिस एंगल्स फॉर्म्स अ पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल्स, ये जो है ये एंगल जो है ये फॉर्म कर रहा है पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल्स। ओके, सो ये अल्टरनेट एंगल फॉर्म कर रहा है बाय टेकिंग ट्रांसवर्सल ए बी। ओके, यहां पे ए बी लिख दो, बाय टेकिंग ट्रांसवर्सल ट्रांसवर्सल ए बी ऑन सेगमेंट पी ए एंड सेगमेंट क्यू बी। ओके, क्योंकि ये हमारा एपी और ये क्यू बी, ये दो सेगमेंट है, और जब हम लोग ए बी को ट्रांसवर्सल लेंगे तब जाके हमें ये अल्टरनेट एंगल मिल रहा है। ओके, तो अगर ऐसा है तो हम लोग कह सकते हैं कि अल्टरनेट एंगल टेस्ट से, देयरफॉर हम लोग कह सकते हैं कि जो सेगमेंट ए पी है वो पैरेलल हो जाएगा, किससे पैरेलल हो जाएगा, ए पी जो है ये पैरेलल हो जाएगा सेगमेंट क्यू बी से। हमें यही बोला था प्रूव करने के लिए, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, अल्टरनेट एंगल टेस्ट, अल्टरनेट एंगल टेस्ट से ये दोनों पैरेलल हो गया। चलो अभी हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, अब क्या प्रूव करना है। हमें बोला गया ट्रायंगल एपीआर, ट्रायंगल एपीआर और ट्रायंगल आर क्यू बी, इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट बताना है, ट्रायंगल एपीआर और ट्रायंगल आर क्यू बी, एपीआर एंड आर क्यू बी। चलो तो अभी नाउ ये आपका सेकेंड वाला पार्ट है यहाँ पे, नाउ इन ट्रायंगल एपीआर एंड ट्रायंगल आर क्यू बी। ओके, तो हमारा ये वाला ट्रायंगल है, ट्रायंगल ए पी आर एंड आर क्यू बी, तो यहाँ पे आपका ए पी आर हो गया और ये जो है आर क्यू बी, ये वाला, ये दो ट्रायंगल को हमें लेना है। ओके, तो ए पी आर एंड आर क्यू बी, इन दोनों ट्रायंगल को अभी हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। चलो कॉन्ग्रुएंट नहीं, सॉरी, सिमिलर सिमिलर प्रूफ करना है इन दोनों ट्रायंगल को। ओके, तो ए पी आर और आर क्यू बी सिमिलर प्रूफ करने के लिए अगर हमें दो एंगल भी कॉन्ग्रेंट मिलता है तो हमारे दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगा। एक तो ऑलरेडी आपको कॉन्ग्रेंट है पी ए आर, और आप लोग कह सकते हो क्यू बी आर इक्वल है ये आपका। ओके, इसको आप लोग दे सकते हो यहाँ पे नंबर 4 दे देना, तो हम लोग यहाँ पे एक तो कह ही सकते हैं पी ए आर इज इक्वल्स टू एंगल क्यू बी आर। ओके, फ्रॉम कहाँ से मिल रहा है, फ्रॉम 4 से मिल रहा है। ओके, फिर इसके बाद में साथ साथ ये वाला एंगल एक वर्टिकली ऑपोजिट एंगल वाला दिख रहा है, पी आर ए और यहाँ पे क्यू आर बी इक्वल है, तो ये भी हम लोग लिख लेते हैं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, एंगल पी आर ए इज इक्वल्स टू एंगल क्यू आर बी। ये क्यू है क्योंकि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है, इसलिए वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। ओके, सो देयरफॉर हम लोग कह सकते हैं यहाँ पर कि ये दोनों ट्रायंगल जो है सिमिलर हो गया, देयरफॉर मेरा जो ट्रायंगल है ए पी आर सिमिलर हो गया ट्रायंगल आर क्यू बी से। कौन से टेस्ट से सिमिलर हो गया, एंगल एंगल टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी, एंगल एंगल टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। ओके, तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा, एंगल एंगल टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी से सिमिलर प्रूफ हो गया। अब नेक्स्ट वन, अब थर्ड पार्ट, थर्ड पार्ट अभी हम लोग देख लेते क्या फाइंड आउट करना है। अभी हमें बोला गया है कि आर क्यू बी फाइंड आउट करो, आर क्यू बी ये वाला एंगल हमें, ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है आर क्यू बी। ओके, अगर पी ए आर का जो मेजर है, पी ए आर का मेजर 35 डिग्री है, तो अगर पी ए आर 35 डिग्री, ये 35 डिग्री है आपका,
तो इसका तो पी आर 35 डिग्री, तो आर बी क्यू भी आपका 35 डिग्री होगा। चलो तो हमें आर क्यू बी का मेजर निकालना है। यहाँ पे आपको देकर क्या रखा है, पी ए आर हमें कितना देकर रखा है, यहाँ पर हमें पी ए और ए आर हमें देकर रखा है 35 डिग्री, 35 डिग्री हमें देकर रखा है। ओके यही दिया है ना, 35 डिग्री। ओके नेक्स्ट, और हमें फाइंड आउट करना है आर बी क्यू, हमें फाइंड आउट क्या करना है, आर बी सॉरी आर क्यू बी, हमें ये एंगल को निकालना है, आर क्यू बी हमें निकालना है, एंगल आर क्यू बी हमें निकालना है, आर क्यू बी क्वेश्चन मार्क। ओके तो क्या हम लोग कह सकते हैं यहाँ पर कि पी ए आर जो है ये आर बी क्यू से इक्वल हो जाएगा, आर बी क्यू से वो इक्वल होगा, होगा कि नहीं, बिल्कुल होगा, क्योंकि आपका अल्टरनेट एंगल ऑलरेडी आपने प्रूफ कर दिया है। तो हम लोग कह सकते हैं हियर हियर एंगल, एंगल का नाम क्या है, एंगल पी ए आर इज इक्वल्स टू एंगल आर बी क्यू, ओके इज इक्वल्स टू 35 डिग्री। ओके तो आर बी क्यू 35 डिग्री का है, तो आपका ये 35 डिग्री का हुआ, तो ये जो है क्यू आर बी ये भी 35 डिग्री का है, क्यों, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम कहता है ना, आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम ऑलरेडी हमने प्रूफ कर दिया है। ऑल्सो हम लोग क्या लिखेंगे, एंगल ठीक है आर बी क्यू इक्वल है किससे, क्यू आर बी से, तो इक्वल है 35 डिग्री। ओके ये आपका है। चलो अब नाउ अभी हम लोग कंसिडर करेंगे इन ट्रायंगल क्यू आर बी। नाउ कंसिडर कंसिडर इन ट्रायंगल क्यू आर बी, ओके यूज द एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। तो हम लोग क्या कहेंगे, एंगल क्यू आर बी प्लस एंगल क्यू आर बी प्लस क्यू बी आर प्लस एंगल आर क्यू बी इज इक्वल्स टू कितना होगा, इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा 180 डिग्री। रीजन रीजन जरूरी पड़ जाता है, रीजन बताना यहाँ पे, तो हम लोग क्या बोलेंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल का एंगल सम प्रॉपर्टी कहते हैं, तीनों एंगल का सम करेंगे तो 180 डिग्री मिल जाएगा। नाउ एंगल क्यू आर बी, क्यू आर बी क्या है, 35 डिग्री का है, प्लस क्यू बी आर ये भी 35 डिग्री का है, प्लस एंगल आर क्यू बी ये हम लोग एज इट इज लिख रहे हैं, इज इक्वल्स टू एंगल आर क्यू बी इज इक्वल्स टू क्या आएगा, 180 डिग्री। नेक्स्ट ये 35 और 35 को ऐड कर लेते हैं हम लोग, ये दोनों को ऐड कर लेंगे, तो यहां पर 70 डिग्री हो जाएगा, प्लस एंगल आर क्यू बी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो देयर फोर हम लोग क्या कहेंगे, एंगल आर क्यू बी इज इक्वल टू 180 माइनस 70, तो देयर फोर एंगल आर क्यू बी इज इक्वल टू 110 डिग्री मिल जाएगा। तो आई होप आपको ये सम समझ में आ चुका होगा, काफी सिंपल सा सम है। ओके थोड़े लेंदी है बट ये सिंपल है, ऐसा नहीं है कि आपको नहीं समझेगा ये, ठीक है आप लोग एक बार देखोगे तो इजिली आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर एक बार आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ओके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर अभी हम लोग डायरेक्टली यानी कि फिफ्थ सम पे चलेंगे। ओके तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, काफी सिंपल सा सम है दोस्तों ये। ओके तो चलिए अभी हम लोग डायरेक्टली फिफ्थ सम स्टार्ट करते हैं। तो चलिए दोस्तों अभी हम लोग फिफ्थ सम देख लेते हैं, यानी कि प्रैक्टिस सेट नंबर 3.2 का लास्ट सम, और एक काफी इंपॉर्टेंट सम है ये। क्या दिया गया है, इन फिगर द
सर्कल विद सेंटर ए एंड बी टच ईच अदर एट ई। मतलब यहां पर आप लोग देख सकते हो, ये एक सर्कल है, छोटा वाला सर्कल जिसका सेंटर ए है और बड़ा वाला सर्कल इसका सेंटर बी है, ये दोनों एक दूसरे को पॉइंट ई पर टच कर रहे हैं। चलो हम लोग एक काम करते हैं, इसको ज्वाइन कर देते हैं। ओके, तो ये आपका सेगमेंट ए बी यहाँ पे ज्वाइन कर लेते हैं, तो इस तरह से वो ज्वाइन हो गया। ओके, यहाँ पे हमने इसको ज्वाइन कर लिया। साथ ही साथ में आगे बोला गया, लाइन एल एक कॉमन टेंजेंट है विच टच द सर्कल एट सी एंड डी रेस्पेक्टिवली। ओके, फाइंड द लेंथ ऑफ सेगमेंट सी डी, सेगमेंट सी डी का लेंथ फाइंड आउट करना है, यहां से यहां तक का लेंथ हमें निकालना है। चलो इसको भी यहाँ पे मैं बना लेता हूँ, यहां से यहां तक का हमें लेंथ फाइंड आउट करना है। ओके, तो सेगमेंट सी डी का लेंथ आपको निकालना है, तो यहां पर इसको क्वेश्चन मार्क डाल देता हूं, तो यहां पे आपको इसका लेंथ फाइंड आउट करना है सी डी का। इफ द रेडाई ऑफ द सर्कल आर 4 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर, हम लोग एक काम करते हैं यहाँ पे रेडाई भी बना लेते हैं। जो छोटा वाला सर्कल है उसका रेडाई आपको यहाँ पे सी ए मिल जाएगा, और बड़ा वाला सर्कल है उसका रेडाई आपको बी डी मिल जाएगा। ओके, तो यहाँ पर इस तरह से हमने रेडाई बना लिया है, इसको यहाँ पे लेबल भी कर देते हैं। छोटा वाला सर्कल का रेडाई है 4 सेंटीमीटर, बड़ा वाला सर्कल का रेडाई है 6 सेंटीमीटर। ओके, चलो ये भी हो गया। हमें फाइंड आउट क्या करना, हमें ये जो आपका कॉमन टेंजेंट है ना उसके बीच का डिस्टेंस निकालना, फाइंड द लेंथ ऑफ द सीडी, सीडी निकालना है हमें। ओके, हम लोग एक काम करेंगे, एक यहां से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे कहां तक, बीडी तक। ओके, सच दैट हमारा एसी और यहाँ पे जो हम लोग परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे ना, एक मिनट में ड्रॉ कर लेता हूँ, एक यहाँ से एटी ड्रॉ करेंगे हम लोग, ड्रॉ एटी परपेंडिकुलर टू बीटी। हम लोग क्या करने वाले हैं यहाँ पे, ये हमारा कंस्ट्रक्शन होगा, ड्रॉ सेगमेंट एटी, एटी परपेंडिकुलर होगा किससे, परपेंडिकुलर होगा सेगमेंट एटी परपेंडिकुलर टू सेगमेंट BD। तो हम लोग AT को परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं सेगमेंट BD से। ओके, तो यहां पर अभी हम लोग इस तरह से ये मैंने परपेंडिकुलर बनाया। ओके, तो ये हमारा परपेंडिकुलर लाइन है, ये हमने ड्रॉ कर लिया, यहां पे इसको मार्क कर देता हूं परपेंडिकुलर का लाइन। ओके, ये हो गया, इसको लेबल भी कर देते हैं हम लोग, यहाँ पे नाम दे देंगे टी। तो ये है आपका ए टी परपेंडिकुलर हो गया किससे, बी डी से। ओके, अब ये जब आपने प्रूव कर दिया परपेंडिकुलर है, तो इसका मतलब ये प्रूव कर दो कि ये जो है ना क्वाड्रिलैटरल एक रेक्टेंगल है। मतलब हम लोग ये प्रूव करेंगे अभी ए टी डी सी एक क्या है, रेक्टेंगल है। ओके, सो यहाँ पर अभी शुरू में हम लोग पहले लिख लेते हैं सेगमेंट ए सी एंड सेगमेंट, ये जो है ए सी एंड आपका जो बी डी आर द रेडाई ऑफ द टू सर्कल विद सेंटर ए एंड बी रेस्पेक्टिवली। ओके, तो यहाँ पे लिखते हैं लेट, ओके, ए सी एंड बी डी बी द रेडाई ऑफ टू सर्कल हैविंग सेंटर ए एंड बी रेस्पेक्टिवली, ए एंड बी रेस्पेक्टिवली। ओके, ये हो गया आपका। अब आपको नेक्स्ट वन हम लोग लिखेंगे, ड्रॉ सेगमेंट एटी परपेंडिकुलर टू सेगमेंट बीडी, ये तो हमने ऑलरेडी कर ही दिया, यहाँ पे आपका कंस्ट्रक्शन आ जाएगा, ये आपका कंस्ट्रक्शन है। ओके, कंस्ट्रक्शन वाला पार्ट है आपने ड्रॉ किया है। ओके, नेक्स्ट वन अभी हम लोग क्या कहेंगे, यहाँ पर ये जो एंगल ए टी डी है वो 90 डिग्री का है, एंगल यहाँ पे बी डी सी ये भी 90 डिग्री का है, क्योंकि ये टेंजेंट है तो टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस होता है, तो टेंजेंट थ्योरम कहता है ऐसा।
ओके, तो ये आपका, तो ये तो ऐसे 90 डिग्री का है, फिर यहाँ पर ये भी 90 डिग्री का है क्योंकि ये भी एक टेंजेंट है, सीडी एक टेंजेंट है और ये रेडियस ए सी है, तो ये अगेन ये भी परपेंडिकुलर होगा। तो इसका मतलब अब जो बचेगा ये एंगल भी 90 डिग्री का होगा क्योंकि ये जो क्वाड्रिलैटरल है, क्वाड्रिलैटरल का जो है चारों एंगल का सम करने पे 360 डिग्री आता है। तो अगर तीन एंगल 90-90 का है तो यहाँ पर ये जो बचा हुआ चौथा एंगल है वो भी 90 डिग्री का हो जाएगा। तो अभी हम लोग लिखेंगे, नाउ कंसीडर इन क्वाड्रिलैटरल, क्वाड्रिलैटरल ए टी डी सी। ओके, ये हमने ये क्वाड्रिलैटरल कंसीडर कर रहे हैं ए टी डी सी, जिसमें एंगल ए टी डी, एंगल ए टी डी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री का है। ओके, फिर एंगल बी डी सी, बी डी सी यहाँ पर ये वाला एंगल आपका बी डी सी, बी और ये डी सी ये वाला एंगल, ओके ये आपका 90 डिग्री का है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 90 डिग्री, बी डी सी कितना आएगा 90 डिग्री। ओके, टेंजेंट थ्योरम कहता है, ओके शुरू में हमने पढ़ा है। ऑल्सो इसी प्रकार हम लोग कहेंगे हमारा जो एंगल ये वाला ए सी डी, ये भी हमारा क्या रहेगा 90 डिग्री का रहेगा। तो ए सी डी ये भी क्या है 90 डिग्री का, सेम टेंजेंट थ्योरम हम लोग कहेंगे, टेंजेंट थ्योरम है। ओके, यहाँ पर टेंजेंट थ्योरम अप्लाई करें। अब बचा हुआ कौन सा एंगल, बचा हुआ ये वाला एंगल सी ए टी। ओके, तो देयरफॉर मैं कहूंगा एंगल सी ए टी, एंगल सी ए टी जो रहेगा वो भी 90 डिग्री का रहेगा। सी ए टी इज ऑल्सो इक्वल टू, इसके लिए हम लोग रीजन क्या लिख देंगे, रिमेनिंग एंगल ऑफ क्वाड्रिलैटरल। ओके, रिमेनिंग एंगल ऑफ क्वाड्रिलैटरल। ओके, सो देयरफॉर अब मैं कह सकता हूं कि मेरा जो क्वाड्रिलैटरल रहेगा, देयरफॉर क्वाड्रिलैटरल कौन सा है, नाम है ए टी डी सी, देयरफॉर क्वाड्रिलैटरल ए टी डी सी इज एन रेक्टेंगल। ये हमने क्या प्रूव कर दिया, ये एक रेक्टेंगल है। चलो ये एक रेक्टेंगल है, हमने इसको प्रूव कर दिया। नेक्स्ट स्टेप, अब ये रेक्टेंगल है तो इसका मतलब यहां पर आपका ए सी, ए सी और ए सी और ये बी डी, सॉरी बी डी नहीं टी डी, ये दोनों इक्वल हो जाएगा। ए सी और टी डी दोनों क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। सही है, ए सी और टी डी क्या हो जाएगा, वो इक्वल हो जाएगा। क्यों इक्वल हो जाएगा, क्योंकि रेक्टेंगल है तो इसका ऑपोजिट साइड क्या होता है, इक्वल होता है। तो हम ए सी का वैल्यू 4 है तो टी डी का वैल्यू भी 4 रहेगा। ओके, तो नेक्स्ट वन में, नेक्स्ट पेज में मैं क्या लिखूंगा, यहाँ पे इसको मैं ड्रॉ कर लेता हूँ। देयरफॉर ओके ए सी इज इक्वल्स टू डी टी इज इक्वल्स टू, ए सी कितना है भाई, ए सी का वैल्यू कितना था यहाँ पे, ए सी का वैल्यू 4 था, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा 4 सेंटीमीटर, ये आपका 4 था ना, तो ये भी आपका 4 हो गया। ओके, अब क्यों, क्योंकि ऑपोजिट साइड है रेक्टेंगल का, ऑपोजिट साइड ऑफ रेक्टेंगल, ओके ऑपोजिट साइड ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, इक्वल होता है। चलो नेक्स्ट वन, अब ए सी इक्वल्स टू डी टी इक्वल्स टू 4 हो गया, इसको बॉक्स बना देते हैं, यहाँ पर ये 4 हो गया। ओके नेक्स्ट वन, अब नेक्स्ट में हम लोग कहेंगे ये जो बी डी है, बी डी का लेंथ हमें टोटल दे रखा है, बी डी का जो लेंथ है वो हमें दे रखा है, कितना दिया गया है बी डी का लेंथ 6 सेंटीमीटर। ओके, तो ये आपका 6 सेंटीमीटर का है, तो हम लोग एक काम करेंगे इसमें से बी टी को फाइंड आउट करेंगे, बी टी का वैल्यू अभी हम लोग निकालेंगे, बी टी का वैल्यू अभी हम लोग फाइंड आउट करेंगे ये वाला पार्ट। ओके, ये वाला पार्ट हम लोग अभी फाइंड आउट करेंगे बी टी। तो नाउ नाउ हम लोग क्या कहेंगे, बी डी इज इक्वल्स टू, बी डी इज इक्वल्स टू बी टी प्लस टी डी कह सकते हैं हम लोग, क्योंकि ये तीनों पॉइंट के कोलिनियर है, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा बी डैश टी डैश
डी. ओके, तो बीडी का जो वैल्यू है वो कितना दे रखा है, 6 दे रखा है. तो 6 इक्वल्स टू, बीटी का वैल्यू नहीं पता है तो उसको हैजर्डस में लिख दे रहा हूँ. और टीडी का वैल्यू क्या है, टीडी का वैल्यू हमें मिल गया है 4 मिल गया है. देयरफॉर मैं क्या कहूंगा, बीटी इज इक्वल्स टू 6 माइनस 4 यानी कि 2 सेंटीमीटर. मतलब आपको यहाँ पे बीटी इक्वल्स टू 2 सेंटीमीटर हमें मिल गया. ओके, बीटी का वैल्यू कितना मिल गया, 2 सेंटीमीटर. यहाँ पे इसको भी बॉक्स बना लेते हैं. ओके, ये आपका बीटी यहाँ पे मिल गया हमें. अब नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, हमें तो सीडी का वैल्यू निकालना है, सीडी का वैल्यू निकालना है हमें. ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, आपको सीडी का वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट करना है. सही है, तो सीडी का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग एक काम करेंगे, एटी का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. क्या करेंगे हम लोग, एटी का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. तो ये एटी का वैल्यू कैसे मिलेगा, ये वाला, इसका वैल्यू हम लोग निकालेंगे. इसका वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग ये वाला ट्रायंगल लेंगे ए बी टी. ओके, हम लोग कौन सा ट्रायंगल लेंगे, ए बी टी, मतलब ए टी बी वाला. इसको मैं थोड़ा सा सेपरेटली ड्रॉ करता हूँ, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा. ए टी बी ये कुछ इस तरह से ऐसे है. ये आपको अच्छे से समझिएगा. ओके, सो इस तरह से है वो कुछ, थोड़ा सा ऐसे रफ कर देते हैं. चलो, तो यहाँ पे आपका क्या है, ए लिखा है, ये आपका ए है यहाँ पे, ये आपका बी है और ये आपका टी है. ठीक है, जिसमें ये वाला जो एंगल है ये 90 डिग्री का है. बरोबर, हमने शुरू में ए टी को हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था ना बी डी से. तो अब हम लोग पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे. ओके, हाँ, आपका ये जो ए बी का डिस्टेंस है ये भी निकालना रह गया है, ए बी का डिस्टेंस, क्योंकि आपको बोला गया है जो रेडाई है. ओके, जो रेडाई है वो कितना, 4 और 6 सेंटीमीटर का. तो ये आपका ए 4 सेंटीमीटर का रहेगा और बी कितना का रहेगा, 6 सेंटीमीटर का रहेगा. तो आप लोग यहाँ से क्या करो, ए 4 है और बी कितना, 6 है, तो ए बी का भी डिस्टेंस निकाल लो. ऑल्सो ए बी इज इक्वल्स टू, ए बी इज इक्वल्स टू क्या आना चाहिए, ए प्लस ई बी. अगेन ए प्लस ई बी मतलब क्या आएगा, ए डैश ई डैश बी, ए कोलिनियर है इसलिए ए बी इक्वल्स टू ए प्लस ई बी मिल जाएगा. तो ए बी इज इक्वल्स टू क्या आएगा, देयर फोर ए बी इज इक्वल्स टू क्या आएगा, 4 प्लस 6, मतलब देयर फोर हमें ए बी का जो वैल्यू मिलेगा वो 10 सेंटीमीटर का मिल जाएगा. चलो यहाँ पे भी हम लोग एक बॉक्स बना देते हैं. तो आपने ये ए बी फाइंड आउट कर दिए यहाँ पर. ओके, अब हम लोग डायरेक्टली राइट एंगल ट्रायंगल लेकर हम लोग ए टी का वैल्यू निकालेंगे. जब ए टी अगर तुमको मिल जाएगा तो सी डी भी सेम रहेगा, क्योंकि ए टी और सी डी दोनों इक्वल है, क्योंकि ये हमने प्रूव कर दिया है कि ये जो क्वाड्रिलेटरल है रेक्टेंगल है. ओके, तो नाउ कंसीडर इन राइट एंगल ट्रायंगल. ट्रायंगल का नाम क्या है भाई, ए टी बी. तो यहां पर लिखूंगा ए टी बी. ओके, जिसमें ए बी का स्क्वायर इक्वल मिलेगा, किससे इक्वल मिलेगा, ए टी स्क्वायर प्लस बी टी स्क्वायर के बराबर. ओके, क्यों भाई, क्योंकि ये पाइथागोरस थ्योरम कहता है. ओके, सो ए बी हमें पता है, ए बी का वैल्यू कितना है भाई, यहाँ पे 10 है, तो 10 का स्क्वायर कर देंगे इज इक्वल्स टू 80. 80 कितना है यहाँ पर, नहीं पता, यही तो फाइंड आउट कर रहे हैं हम लोग. 80 का स्क्वायर ये एज इट इज लिखेंगे, प्लस बी टी हमने फाइंड आउट किया यहाँ पे, बी टी कितना है, 2 है, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा. ओके, ये 2 का स्क्वायर हो गया. अब 10 का स्क्वायर क्या मिल जाएगा, 100 इज इक्वल्स टू 80 स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, तो 4 आ जाएगा. अब नेक्स्ट स्टेप में ये 4 को यहाँ पे लेके आ जाओ 100 के पास, तो 100 माइनस 4 इक्वल्स टू 80 स्क्वायर मिल जाएगा. तो हमें 80 स्क्वायर क्या मिलेगा, यहाँ पे 96 इक्वल्स टू 80 स्क्वायर मिला. चलो नेक्स्ट स्टेप, तो 80 स्क्वायर इक्वल्स टू 90 है, तो देयरफॉर हम लोग क्या कहेंगे, 80 इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 96 आ जाएगा. ओके, अंडर रूट ऑफ 96 आ जाएगा. अब
यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं 80 इज इक्वल्स टू 96, मतलब क्या आएगा 16 इंटू 6 कर लेंगे, 6 6 जा 36, 6 बन जा 6 96, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 16 इंटू 6, ओके 16 इंटू 6 लिख दूंगा, तो 16 इंटू 6 मतलब क्या आएगा, 6 को 16 को बाहर ले लेंगे तो क्या आएगा 4 आएगा, 4 रूट 6 हो जाएगा, सही है, 4 रूट 6 सेंटीमीटर ये आपको मिलेगा, मतलब 80 का वैल्यू, ओके 4 रूट 6 सेंटीमीटर, सही है। यहाँ पे हम लोग बॉक्स बना लेते हैं, अभी हम लोग क्या कहेंगे, बट आपका जो 80 है वो किससे इक्वल है, यहाँ पे 80 जो है सीडी से इक्वल है, ओके तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, बट 80 इज इक्वल्स टू सीडी, ओके 80 जो है ये 80 जो है वो सीडी से इक्वल है, ओके तो देयरफॉर मैं कहूंगा सीडी इज आल्सो इक्वल्स टू 4 रूट 6 सेंटीमीटर, काफी सिंपल सा है ये, ओके खाली दिखने में देखो ये बड़ा सा लगता है बट है ये बहुत ही सिंपल, ओके आई होप आपको ये सब समझ में आ चुका होगा। यहाँ पर मैंने काफी अच्छे स्टेप में मैंने आपको एकदम अच्छे से समझा कर दिया है, आई होप आपको यहाँ पर कोई भी कठिनाई कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए, ओके आप लोग यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और फिर हम लोग यहीं पर आज जो है प्रैक्टिस सेट नंबर 3.2 को विश्राम देते हैं बच्चों, क्योंकि ये प्रैक्टिस सेट तो खत्म हो गया है, अब मैं आपसे जल्द से जल्द कोशिश करूंगा एक नए वीडियो के साथ मिलने में, ओके आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ओके तब तक के लिए मैं आपसे अलविदा चाहता हूँ दोस्तों, बाय बाय, सी यू वंस अगेन, बाय।